एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना था, जिसकी एक छोटी सी झलक हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा नेक्स्ट टारगेट नेत्रहीन बच्चों की मदद करना है, जिसके लिए आपके सहयोग के तौर पर हमें आर्थिक रूप से कुछ भी नहीं, बस आपके मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। और वो मॉरल सपोर्ट आपके शेयर करने से ज़्यादा लोगों से जुड़ने से मिलेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम और ज़्यादा इन गरीब और असहाय बच्चों की मदद कर पाएंगे। तो चलिए आप जान लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे बच्चों से गलती हुई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गलती करने के बाद भी कुछ ऐसी गलतियां फिर से दोहरा देते हैं, जिसकी वजह से उनका चयन तक निरस्त हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी ही लड़की श्वेता सिंह की कहानी है, जिन्होंने अपने फॉर्म को भरते वक्त दो नंबर ज्यादा लिख दिए थे अपने 12th के मार्क्स में, और उन्होंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तो उस टाइम पे उन्होंने इस चीज को चयन बोर्ड के सामने नहीं रखा, जिसकी वजह से आगे चलकर उनका जो चयन है उसको भी निरस्त कर दिया गया। तो ये वीडियो आपको अलर्ट करने के लिए है कि अगर आपसे किसी भी चीज में कोई गलती हुई है, चाहे वो आपकी माता का नाम हो, पिता का नाम हो, मार्क्स में गलती हो, XYZ कोई भी गलती अगर आपसे हुई है, तो आपको उसके लिए एफिडेविट बनवा लेना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चयन बोर्ड के सामने इस बात को रखना है। अगर आप इस चीज को रखते हैं और अपना एफिडेविट चयन बोर्ड को दिखा देते हैं तो आपका चयन कभी भी निरस्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर इस बात को छुपा ले जाते हैं और गलती से भी ये बात वेरीफाई होती है आगे चलकर और पता चलता है कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जैसा कि उनके विज्ञापन में भी साफ साफ लिखा है कि आगे गलती पाए जाने पर आपके चयन तक को निरस्त कर दिया जाता है, तो आप कोर्ट का भी सहारा नहीं ले सकते। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपसे कोई भी गलती हुई है और उसे आप नहीं सही करा सकते तो आप उसके लिए एफिडेविट जरूर बनवा ले, ये आपको चयन बोर्ड खुद बताने नहीं आएगा। और अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर एक भी बात अपनी छुपाने की कोशिश करी या एक भी गलती छुपाने की कोशिश करी और गलती से अगर आपको चयन दे भी दिया गया तो उसके बाद आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। आई होप सो कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। नमस्कार।